नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ फैमिली में। इस वक्त में आपके साथ महक। आइए बात करते हैं इस वक्त की खास अपडेट की। इंदौर में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिए हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने से लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी है। शहर में लगातार दूसरे दिन भी 150 से ज्यादा नए संक्रमित मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1642 संदिग्ध मरीजों की जांच की गई, जिसमें 1459 नेगेटिव आए, जबकि 162 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 21 की रिपोर्ट रिपीट पॉजिटिव रही है, जिसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 1228 पर पहुंच गई है। अकेले मार्च के 3 दिन में ही 452 नए पॉजिटिव और 6 दिन में 880 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इंदौर में अब तक 8,48,570 टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें से 60,210 मरीज संक्रमित पाए गए, जबकि 58,049 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं 933 लोगों की कोरोना के कारण मौत हो गई। तो ये था हमारा अब तक का अपडेट। हर वक्त की अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।